नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योग के बारे में। ये योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होते हैं उसके जीवन में वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। तो मित्रों, ये योग कौन कौन से हैं, इस योग के बारे में बात करने के लिए उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष जो जन्म कुंडली रखूँगा वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली है और इनकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं। इसी वजह से इनकी उम्र जो है 50 के आसपास हो चुकी है और अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। पर ये योग ऐसे हैं कि कहा जा सकता है कि इनको जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये योग कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक तो मित्रों, इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अपनी नीच राशि में बैठा है। सप्तमेश अगर नीच राशि में हो, यानी सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। और सप्तम भाव का कारक होता है गुरु। गुरु ग्रह पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में गुरु जो है वो फल नहीं देता है, क्योंकि सप्तम भाव का कारक जो है वो गुरु है। और गुरु अगर गुरु पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि होगी तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। फिर मित्रों, सप्तम भाव के अगले भाव में और पिछले भाव में क्रूर ग्रह विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे में पाप कर्तृ योग बनता है। यानी सप्तम भाव जो है वो पाप ग्रहों के मध्य में आ जाता है। यानी छठे भाव में क्रूर ग्रह हो और आठवें भाव में क्रूर ग्रह हो, तो सप्तम भाव जो है वो दो क्रूर ग्रहों के मध्य में आ जाता है। तो ऐसे में जन्म कुंडली में पाप कर्तृ योग बन जाता है। तो मित्रों, बात करते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में ये योग कैसे बन रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल शर्मा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के बारे में। अब मित्रों, आपके समक्ष जो जन्म कुंडली है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली है। इनकी जन्म कुंडली के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव, जहाँ पर चार नंबर लिखा हुआ है वह सप्तम भाव है, और चार नंबर यानी कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, या ऐसे कहा जा सकता है कि सप्तमेश जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर आठ नंबर लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का होकर वो नीच का हो चुका है, यानी अपनी नीच राशि में बैठा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव का मालिक जो है वो अपनी नीच राशि में बैठा है, इसी वजह से इन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। यानी सप्तमेश जन्म कुंडली में नीच राशि का हो तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सुखों का अभाव रहता है, यानी वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। उसके बाद सप्तम भाव के अगले भाव में और पिछले भाव में क्रूर ग्रह हो तो ऐसे में सप्तम भाव जो है वो पाप कर्तृ दोष में गिना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। तो इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अगला भाव अष्टम भाव में केतु विराजमान है और षष्टम भाव में मंगल और सूर्य जो क्रूर ग्रह हैं वे विराजमान है। इसकी वजह से इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो है वो पाप कर्तृ दोष में गिना जाता है। इसके अलावा सप्तम भाव का कारक, मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव का कारक होता है गुरु, और गुरु पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। तो इनकी जन्म कुंडली में गुरु बैठा है दशम भाव में, और गुरु पर सातवीं दृष्टि कर रहा है शनि, और शनि जो है मेष राशि में बैठा है, एक नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, और शनि मेष राशि में नीच का होता है। तो नीच के शनि की दृष्टि गुरु पर हो रही है, इसी वजह से इनके जीवन में वैवाहिक सुखों का अभाव है। तो मित्रों, ऐसे योग किसी की जन्म कुंडली में होते हैं तो उनके जीवन में वैवाहिक सुखों का अभाव रहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिया गया है उस पर क्लिक करके वे वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।